नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर, सराफा एसोसिएशन जबलपुर को विधानसभा चुनाव 2023 का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसका सारा दोष प्रशासन और चुनाव आयोग का है। दीपावली के सीजन के समय जब उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोने चांदी की खरीदी करता है, क्योंकि इस समय पुख नक्षत्र और धनतेरस में सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, और इसी फेस्टिवल सीजन में दुकानदार उपभोक्ताओं को अपनी सीजन की भी खरीदी इसी फेस्टिवल सीजन में होती है। और पूर्व में सराफा एसोसिएशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने वित्त मंत्री से मिलकर उनसे आग्रह किया था कि दीपावली के 20 दिन पहले तक 365 दिन में 340 दिन जीएसटी, इनकम टैक्स और प्रशासनिक अधिकारी सर्वे व अन्य विभाग की जांच करें, लेकिन इस वार्षिक सीजन में 20 दिन की हमें छूट दे। वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सराफा व्यापारी के अलावा अन्य सभी व्यापारियों के साथ जिस प्रकार की निर्दयतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उससे सराफा व्यापारियों के साथ साथ अन्य व्यापारियों में भी बेहद रोष व उत्तेजना का वातावरण बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप सराफा एसोसिएशन ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार जैसा कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। आचार संहिता के तहत जो मध्य प्रदेश के अधिकारियों द्वारा उसकी आड़ में व्यापारियों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उन कार्रवाइयों के विरोध में जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वर्ग है वो है सराफा एसोसिएशन। आज उन्होंने ये पत्रकार वार्ता बुलाई और इसके माध्यम से हमने ये बात को रखा कि हमारे व्यापार की जो कठिनाइयाँ हैं, जो व्यवहारिकताएँ हैं, उनको देखते हुए जो भी अगर कार्रवाइयाँ होना है वो सिर्फ विभाग है, जो व्यापार से जुड़े विभाग हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी या अन्य विभाग, इनके माध्यम से ही कोई कार्रवाई की जाए, ऐसे अधिकार हों। पुलिस विभाग को इसमें कहीं भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। इस मांग को अगर नहीं माना जाता तो मजबूर होंगे हम व्यापारी किसी भी तरह के आंदोलन के लिए या बहिष्कार करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं था। आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग द्वारा जो जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित सराफा एसोसिएशन के व्यापारी हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में हाट बाज़ारों को चलन है, और हमारा व्यापारी पूरी दुकान लेके हाट बाज़ार जाता है और दिन भर सेल करके जब लौटता है तो उसके साथ सोने चांदी के जेवर के अलावा कैश भी होती है, और वो पुलिस अधिकारी उसको लगातार जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। उसके पास बिल वाउचर होने के बाद भी ऐसी लगातार कार्रवाई हो रही है, उससे पूरा मध्य प्रदेश का सराफा एसोसिएशन पीड़ित है, सराफा व्यापारी पीड़ित है। इस प्रक्रिया को पिछले बार भी चुनाव हुए उनमें हमारे परिचय पत्र बनाए गए, और जिनके पास परिचय पत्र रहते थे उनके साथ तो व्यापारियों जैसा व्यवहार होता था और उनको परेशान नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पूरे अधिकारियों को निरंकुश कर दिया है, और इस निरंकुशता में पूरे मध्य प्रदेश का व्यापार दीपावली के सीजन में जब पुख नक्षत्र और धनतेरस में पूरे खरीदी होती है, सोना चांदी की खरीदी होती है, इन दिनों सराफा एसोसिएशन और सराफा व्यापारी अनेक योजनाएं गिफ्ट और उपहार बांटता है, उसके कारण जो आगे शादी का सीजन रहता है उसमें उनकी भी खरीदी इसी फेस्टिवल सीजन में होती है। उन सब के कारण लगातार व्यापारी और उपभोक्ता दोनों डरा हुआ है, और उससे व्यापार का भी नुकसान हो रहा है और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कल हमारी आम सभा थी, लगातार हमने प्रयास करने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। आम सभा में हमने चुनाव का और मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कल आम सभा में हमने दो चरणों में इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है, क्योंकि आने वाले एक साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव हैं, तो प्रथम चरण में हमने चुनाव का बहिष्कार किया है, और हम अपनी दुकानों में काले झंडे और बैनर पोस्टर लगाकर इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जबलपुर में करीब 10,000 परिवार हैं जो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं आपके माध्यम से दूसरे ट्रेडों से भी, जैसे आपने देखा कि अभी 16 ट्रेड महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर कैट और बाकी सारे लोगों ने इस हमारे विरोध का समर्थन किया है, हम दूसरे ट्रेड से भी आग्रह करूंगा कि आकर इस प्रकार से चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि इस हमारे ही द्वारा इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, और अगर हमारे द्वारा ऐसी व्यवस्था होती है तो उसका हम घनघोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। उपभोक्ताओं को और उनके अनुवासिक सभी संगठनों की है, चैम्बर की तरफ से तो हम लोग है ही हैं, आप लोग से परिचित हैं, जो लोग से आप परिचय नहीं, मैं परिचय करा के चैम्बर सराफा एसोसिएशन
के अध्यक्ष जी से को ये माइक सौंपूंगा, वहां से वो आरंभ करेंगे। चैंबर अध्यक्ष पहले आपको संक्षिप्त बता देंगे, उसके बाद फिर हमारे सरा मंत्री है सुशील सोनी उपाध्याय सह मंत्री सराफा एसोसिएशन के करीब करीब सभी पदाधिकारी हैं। और ये चुनाव और चुनाव के साथ ही हम आने वाले नए जनप्रतिनिधियों के साथ नई सरकार के चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए हैं। और बड़े ही कष्ट की बात है कि हमेशा की तरह व्यापारियों को इस आपके चुनाव आचार संहिता के परिपेक्ष में जो प्रताड़ित किया जाता है, जो उनको कष्ट दिए जाते हैं, और वो उसके पीछे जो मुख्य बात समझ आती है कि कहीं ना कहीं जाकर के वो भ्रष्टाचार। हमने आपके चुनाव आयोग को पत्र भेजा कि आप ये चुनाव आचार संहिता के लिए एक नियमावली जो बनी हुई है उससे हमें अवगत भी कराएं और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था रखें जो व्यवहारिक हो, और व्यवहारिक व्यवस्थाओं के तहत हमारा व्यापार। आज पक्ष नक्षत्र है और हम लोगों का पूरे साल में दो मुहूर्त ऐसे रहते हैं जब सोना चांदी खरीदी में भीड़ रहती है, और आप लोग पत्रकार हैं, आपने देखा होगा अभी दुकानों में उस अपेक्षा के तहत भीड़ रही है। हर बार चुनाव होते हैं और चुनाव आयोग व्यापारियों का सहयोग करता है। सराफा एसोसिएशन हमेशा से रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में सहयोग करता है। चुनाव आयोग सराफा व्यापारियों को परिचय पत्र बनाता है और जिनके पास वो परिचय पत्र रहता है तो उनके साथ कोई भी परेशानी नहीं होती। वो व्यवहारिक रूप से व्यापार करने के लिए जो आचार संहिता में पैसे का दुरुपयोग, गिफ्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए आचार संहिता है, लेकिन देखा गया है कि मध्य प्रदेश में हाट बाजारों। जबलपुर से खबर समित जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।